जो गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, ये देखिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। दोस्तों पूरी जानकारी आपको हमने देने वाले हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। ये जो ऑर्गेनाइजर है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन्होंने किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होने दी, और ये ऑर्गेनाइजर होने के बाद, इनकी टीम होने के बाद, इन्होंने ऐसा कोई हरकत नहीं करी कि भाई वो फाइनल अपने को मिलना चाहिए। अजंता में बहुत ही क्रिकेट के शौकीन है और क्रिकेट के फैन भी बहुत है और क्रिकेट के खिलाड़ी भी बहुत है। लगभग पिछले एक से डेढ़ महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है। लुकमान चाचा क्या बोलना चाहेंगे आप? अच्छा मैच हुआ, बच्चों को शौक है खेलने का, अच्छा खेले, शांतता रखे और जीते, उनको मेरे तरफ से उनको मुबारकबाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, जो सुपरस्टार फाइनल जीत चुकी है तो इसकी वीडियो हमने अपलोड करे यूट्यूब पे लाइव बताए हुए, वो जाके आप देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपको हम देने वाले, तो हमारे मामों को ट्रॉफी मिलते हुए सामने आपको नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जो इनाम ट्रॉफी बताने वाले, तो आपकी पूरी जानकारी आपको हम देने वाले, दोनों टीमों फाइनल की आपको हम बताने वाले। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्ट में आपने देखे, इकबाल सर से बात की है, लुकमान चाचा से बात किया, यहाँ के उप सरपंच विशाल भाई से बात किए, और एक खास बात बताना चाहते हैं। फाइनल मैच में जिधर गोटिया खड़े रह रहा था उधर ही बॉल जा रहा था, सभी का कहना था ग्राउंड पे पांच किया इसलिए गोटिया ने। तो चलते हैं दोस्तों गोटिया से बात करते, गोटिया थोड़ा शर्माते हैं तो अनिल सर से बात करते हैं। दोस्तों बने रहे हमारे साथ, पूरी मुकम्मल जानकारी आपको हम देने वाले अजंता न्यूज। गोटिया भाई से बात करेंगे, गोटिया भाई पांच किया लिया आपने, तो गोटिया भाई बोलिए थोड़ा बहुत बोलिए ऑडियंस आए। सर गोटिया सर ने जो बहुत ही बेहतरीन कैच लिए, बहुत मेहनत करे, तो उनके लिए क्या मैं क्या बोलना चाहिए? ये गोटिया की फिटनेस बहुत अच्छी है, फिटनेस भी कैच बना देता हूँ इधर की बना देता कैच। तो गोटिया भाई क्या फिर भी आप पूछना गोटिया तो शर्म था यार, गोटिया भाई से बात करे तो क्या बोलना चाहिए अनिल भाई? गोटिया भाई बहुत शर्म था बात करने के लिए। बॉलर बॉल कर रहा और कैच गोटिया की तरफ गई तो सुकून महसूस होता है, गोटिया कैच बना रहा, कैच बना लिया गोटिया, कैच छूटेंगे नहीं, मतलब छूटने की चांसेस ही नहीं कुछ, बाय चांस छूट सकती, सौ में देखा नहीं अभी तक, नहीं देखा गोटे से कैच छूटते। अच्छा अभी तक नहीं देखे, तमाम टीम मौजूद है जो सुपरस्टार जो सामने नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हमारे खतरनाक हिटर अंकुश भाई जो इस तरफ से सिर्फ हाथ दे रहे हैं, मोहसिन भाई की तरफ से मेडल दिए जा रहे हैं, युवा नेता राष्ट्रवादी, सभी को मेडल, गोल्ड मेडल है ना मोहसिन भाई, गोल्ड लगाया हुआ है इसको, ओरिजिनल गोल्ड नहीं है। सभी को बहुत अच्छी तरह मोहसिन भाई की तरफ से जो गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, ये देखिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। दोस्तों पूरी जानकारी आपको हमने देने वाले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। ये नगारे के साथ स्वागत हो रहा है सभी टीम प्लेयरों का। ये अद्दू भाई ऑनर को भी दिया जा रहा है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद, गोल्ड मेडल मिला अद्दू भाई को। तो सलीम भाई जो बोलते हैं, यहाँ के बोलना है लोगों का कि भाई जो भी टीम में आए सलीम भाई फाइनल मारती है। अभी ये दूसरी बार हो गया, तीसरी बार देखना है, तीसरी बार हो गया, और तीसरी बार हो गया मोहम्मद भाई का बोलना है, अभी देखते हैं अभी इरफान सर। इधर देखो तब्रेज सर को भी मेडल पहनाया जा रहा है, मोहसिन भाई युवा नेता राष्ट्रवादी। तो अभी अनिल सर और अंकुश भाई बाकी है, तो युवा नेता के हाथों से जो मेडल दिया जा रहा है, अनिल सर को भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो YouTube पे जाके अजंता न्यूज पे लाइव हमने मैच का पूरा वीडियो बताया हुआ है, तो बने रहे दोस्तों। सिल्वर जो सिल्वर मेडल आपको जो नजर आ रहा है, इस तरफ जो सिल्वर मेडल लिया जा रहा है, फाइनल मैच की ट्रॉफी, इकबाल सर यहाँ मौजूद है, और तमाम भास्कर भाव हमारे यहाँ के उप सरपंच साहब मौजूद है, तमाम यहाँ मेहमान मौजूद है, तमाम का तय दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। काजिन सर हमारे, तमाम कमेटी की तरफ से तमाम का तय दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। तो आपको सिल्वर मेडल जो सामने वाली जो फाइनल टीम है, समीर भाई बहुत बहुत मुबारक, कल शादी है उनकी, सभी को बार बार मैं बोल रहा हूँ, इनके वलीमे में पहुँचना चाहिए आपने हमारे।
जो अजंता न्यूज में खेलेंगे इसके बाद के उसमें एपीएल में। तो बहुत बहुत जो मोहसिन भाई युवा नेता राष्ट्रवादी, तो बाजों के साथ स्वागत हो रहा है एंजॉय फाइनल का। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में अपने शेयर करना चाहिए। तो सभी का हौसला अफजाई होना चाहिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। सभी दो प्लेयर बाकी है, तो यहाँ हमारे सगीर भाई भी दोस्तों नगारों के साथ स्वागत हो रहा है सभी फाइनल ऑर्गेनाइजर टीम है। देखिए इस तरफ जो अद्दू भाई ने बाजे लगाए, देखिए इस तरफ जो यंग स्टार के गुड्डू उस्ताद के लड़के खड़े हुए यहाँ, जो क्या नाम है, तो अब्दुल्ला खान है, जो तमाम जो खिलाड़ी यहाँ मौजूद है दोस्तों, सभी एंजॉय कर रहे हैं, सुपर स्टार के ऑनर एंजॉय कर रहे हो सर। मोहम्मद भाई क्या बोलना चाहिए, जो एंजॉय कर रहे हैं अद्दू भाई उनका, तो मोहम्मद भाई आदरे कुछ नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। गांव की टीम यहां सभी बैठे हुए नजर आ रही है आपको, तो सभी के लिए हार्ड लक। हाँ उस सरपंच साहब मौजूद हैं, लुकमान चाचा भी पहुंच चुके हैं यहां, तो यहां इकबाल सर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर क्या बोलना चाहिए, यहां का मैच आपने देखे कैसा मजा आया आपको, क्या बोलना चाहिए ऑडियंस के लिए? अंपायर्स ने अच्छी अंपायरिंग करी, जो प्लेयर्स थे दोनों टीम के उन्होंने बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, और बगैर किसी वार बगैर किसी झगड़े के ये पूरा टूर्नामेंट अच्छे तरीके से अंजाम पहुँचा। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन्होंने इन्हें किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होने दी, और ये ऑर्गेनाइज़र होने के बाद इनकी टीम होने के बाद इन्होंने ऐसा कोई हरकत नहीं करी कि भाई वो फाइनल अपने को मिलना चाहिए, बिल्कुल एक बड़ी बात है। यानी मैच करवाना और उसमें स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट रखना ये बहुत बड़ी बात है। सरपंच बैठे हुए अजंता के उस पर अपन विशाल भाई से भी बात करें। विशाल भाई क्या बोलना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? अजंता में बहुत ही क्रिकेट के शौकीन है और क्रिकेट के फैन भी बहुत है और क्रिकेट के खिलाड़ी भी बहुत है। लगभग पिछले एक से डेढ़ महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं सभी ऑर्गेनाइजर टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने क्रिकेट टीम अपना ये स्पर्धा आयोजित की। और इसमें क्या होता है, क्रिकेट खेलने में एक अपना फिटनेस बना होता है और एक सांघिक भावना खेल भावना बनी रहती है। अभी आज का मुकाबला हम देखने में थोड़ा लेट हो गए, कोई भी टीम जीती होंगी कोई भी हारी होंगी हार ही तो चली रहती है, लेकिन ये गेम है, ये गेम चलते रहना चाहिए, ऐसे में सबसे विनती करता हूँ। तो यहाँ सभी लोग मौजूद है, तो माशाल्लाह बने रहे, पूरी पूरी जानकारी आपको हम देंगे। तो भास्कर बाबू से बात करिए, थोड़ी बात करिए भास्कर बाबू, भास्कर बाबू क्या बोलना चाहिए? बस मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद देते लुकमान चाचा भी है यहाँ, लुकमान चाचा से, तो लुकमान चाचा से भी बात करेंगे। ये दो जो प्राइज है, तो अभी अभी के हमारे लुकमान चाचा क्या बोलना चाहेंगे आप? अच्छा मैच हुआ, बच्चों को शौक है खेलने का, अच्छा खेले, शांतता रखे और जीते, उनको मेरे तरफ से उनको मुबारकबाद। तो लुकमान चाचा से भी हमने बात की है, और ये फाइनल ट्रॉफी जो आपको नजर आ रही है, जो फाइनल ट्रॉफी है ये दोनों टीमों के लिए, ये देखिए हमारे जो प्रधान में मल्यपन कर रहे
जो हमद भाई आंखी मसड़े कुछ आंखी में प्रॉब्लम है उनकी हमद भाई की हमद बोल के खुटा ले वीडियो में भी आके तुम जाओ। ऑर्गेनाइज किया गया था हमारे नौजवान प्लेयर अजंता के इस्माइल शेख फैजान शेख शाहिद शेख असरार ये नौजवानों ने टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया था एपीएल सीजन 12 का और इसका आज आखिरी मुकाबला था फाइनल जो यहाँ पर खत्म हुआ है। सुपरस्टार क्रिकेट क्लब ने इस मैच को जीता है। अजंता एपीएल की फाइनल ट्रॉफी और सेकंड इनाम किसको दिया जा रहा। पहला प्राइस 50,000 था अजंता एपीएल, दूसरा प्राइस 25,000 था। तो दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बॉलर बेस्ट छक्के का अवार्ड देने वाला है और बेस्ट विकेट का अवार्ड देने वाला है। पूरी जानकारी इसके बाद के पार्ट में आपको हम देंगे। अजंता न्यूज़ पे बने रहे हमारे साथ।